कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय महिला क्रिकेट टीम को मिला सिल्वर, फाइनल में हुई ऑस्ट्रेलिया से हार। आखिरी ओवर तक चला मुकाबला, ऑस्ट्रेलिया के 162 रन के लक्ष्य के सामने हासिल नहीं कर सकी टीम। 152 रन पर आउट हो गए सभी खिलाड़ी, आखिरी 5 ओवर में 7 विकेट गिरे। कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 43 बॉल में 65 रनों की पारी खेली। जेमिमा रोड्रिगेज ने 33 बॉल में 33 रन बनाए। टीम इंडिया की ओपनिंग जोड़ी शिफाली वर्मा और स्मृति मंधाना का प्रदर्शन भी ठीक नहीं रहा, स्मृति 6 रन बनाकर आउट। बर्मिंगम कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत की शानदार कामयाबी, रविवार को 5 गोल्ड जीतकर पदक तालिका में 5वें स्थान पर पहुंचा। बॉक्सिंग में जारी है भारत का धमाकेदार प्रदर्शन, अमित पंघाल और नीतू घंगस ने जीता स्वर्ण पदक। फ्लाईवेट कैटेगरी में वर्ल्ड चैंपियन निखत जरीन ने मारा गोल्ड पर पंच, फाइनल में विरोधी को 5-0 से हराया। एथलेटिक्स के ट्रिपल जंप में भारत का डबल धमाका, गोल्ड और सिल्वर मेडल पर कब्जा। भारतीय महिला हॉकी टीम की बड़ी कामयाबी, न्यूजीलैंड को हराकर कॉमनवेल्थ में जीता कांस्य पदक, नाचते हुए मनाया जश्न। कॉमनवेल्थ गेम्स में आज भारत के लिए बन सकता है सुनहरा सोमवार, 5 स्वर्ण पदकों के लिए मुकाबला। बैडमिंटन में महिला सिंगल फाइनल में पीवी सिंधु का मुकाबला, लगातार दूसरी बार पहुंची हैं कॉमनवेल्थ के फाइनल में। बैडमिंटन के पुरुष सिंगल फाइनल में लक्ष्य सेन सिंगापुर के जियाहेंग से टक्कर। बैडमिंटन के मेंस डबल्स फाइनल में भी स्वर्ण जीतने का मौका सात्विक और चिराग के पास। आज पुरुषों की हॉकी का भी फाइनल मुकाबला, गोल्ड जीतने के लिए ऑस्ट्रेलिया को देनी होगी मात। नोएडा के ग्रैंड ओमेक सोसाइटी में हंगामा, 6 अनजान लड़कों को सोसाइटी के लोगों ने पकड़ा, बाहरी लड़के पीड़ित महिला का पूछ रहे थे पता। स्थानीय सांसद महेश शर्मा भी मौके पर पहुंचे, पुलिस को लापरवाही के लिए जमकर लगाई फटकार। डीआईजी भारती सिंह नोएडा की ओमेक सोसाइटी में पहुंची पीड़िता से की मुलाकात। पुलिस के आला अधिकारियों के अलावा विधायक पंकज सिंह भी पहुंचे सोसाइटी में, घटना के बारे में ली जानकारी। नोएडा के डीएम भी परिवार से मिले, सुरक्षा मुहैया कराने को लेकर दिया भरोसा। श्रीकांत त्यागी के समर्थन में सोसाइटी में घुसने वाला युवक निकला बीजेपी कार्यकर्ता, नाम है लोकेंद्र त्यागी। ग्रैंड ओमेक सोसाइटी मामले में नोएडा पुलिस की बड़ी कार्रवाई, थाना फेज 2 के प्रभारी सुजीत उपाध्याय को किया गया सस्पेंड। दबंग नेता श्रीकांत त्यागी अब तक फरार, 3 दिन से पुलिस कर रही है तलाश। कानपुर कोर्ट में यूपी के मंत्री राकेश सचान की पेशी, अवैध हथियार मामले में दोषी करार। अवैध हथियार केस में दोषी करार यूपी के मंत्री राकेश सचान की सफाई, बोले मैं फरार नहीं, अदालत में जरूर पेश होऊंगा। मॉनसून सत्र का आखिरी हफ्ता, आज फिर महंगाई को लेकर सदन में हंगामे के आसार। अमित शाह आज ओडिशा के दौरे पर, एयरपोर्ट पर कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत, 2024 चुनाव को लेकर तैयारियों पर मंथन। संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से जय जवान जय किसान सम्मेलन का आयोजन, 14 अगस्त तक पूरे देश में कार्यक्रम। पात्राचौल घोटाले में राउत की कस्टडी का आखिरी दिन, पीएमएलए कोर्ट में पेशी। उद्धव बनाम शिंदे की जंग में शिवसेना को लेकर खींचतान, चुनाव आयोग ने दोनों गुटों से मांगा समर्थन का सबूत। मोदी मंत्रिमंडल में नहीं शामिल होगी जेडीयू, सूत्रों के मुताबिक 2 कैबिनेट मंत्री का पद नहीं मिलने से जेडीयू खफा। बीजेपी से खटपट के बीच नीतीश कुमार ने जेडीयू विधायकों की मंगलवार को बुलाई बैठक, पटना में जनगणना के नाम पर होगी मीटिंग। आरसीपी के आरोपों पर जेडीयू का पलटवार, ललन सिंह का बयान, नीतीश की पार्टी दौड़ता हुआ जहाज। क्या नहीं, कुछ नहीं जानते, वो कभी संघर्ष के साथी नहीं रहे, वो सत्ता के साथी रहे। नीति आयोग की बैठक में नीतीश कुमार नहीं हुए शामिल, लेकिन पटना के एक कार्यक्रम में की शिरकत। चंद्रपुर में हर घर तिरंगा को लेकर महिलाओं की बाइक रैली, प्रशासन के साथ मिलकर जागरूकता फैलाने का मिशन। मध्य प्रदेश के श्योपुर में निकली जागरूकता रैली, कलेक्टर की अगुवाई में पुलिसकर्मियों ने तिरंगा फहराने का दिया संदेश। बाड़मेर में मुस्लिम समुदाय के लोग तिरंगा लेकर सड़क पर निकले, वंदे मातरम और सारे जहां से अच्छा के लगे नारे। अमरावती में निकली तिरंगा कावड़ यात्रा, आजादी के 75 साल पर खास आयोजन।
समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया भी मिशन तिरंगा अभियान से जुड़े तिरंगा लेकर की घुड़सवारी। दिल्ली में कोरोना संक्रमण दर 15% के करीब, 6.5 महीने के उच्चतम स्तर पर। पिछले 10 दिनों में दोगुने हुए मामले, 24 घंटे में 2,423 नए कोरोना मरीज। दिल्ली में सक्रिय मरीजों की संख्या 8,000 से ज्यादा, अगस्त के महीने में तेज हुई रफ्तार। देश में कोरोना के लगातार बढ़ रहे हैं मामले, नए केस 18,000 से ज्यादा। कोरोना से 24 घंटे में 40 लोगों की मौत, सक्रिय केस 1,34,000 से ज्यादा। जयपुर में मंत्री मुरारीलाल मीणा की बेटी की गाड़ी नंदपुरी अंडरपास में फंसी, बारिश के बाद अचानक भरा पानी। हादसे में सिर्फ मंत्री का ड्राइवर कार में था, काफी मशक्कत के बाद निकाली गई कार। गुरुग्राम में बारिश के पानी से भरे गड्ढे में गिरा 8 साल का बच्चा, दमकल विभाग और पुलिस की टीम रेस्क्यू में जुटी। हिंगोली में बाढ़ से बिगड़े हालात, कई गांवों का संपर्क टूटा। बाढ़ में बाइक से बह गया युवक, लोगों ने मिलकर बचाई जान। मध्य प्रदेश के खरगोन में इंदौर से पिकनिक मनाने आए सैलानी फंसे मुसीबत में, नदी में अचानक आई बाढ़ में 13 लग्जरी कारें बही। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में भारी बारिश से आफत, दुकानों में घुसा पानी, सड़कों पर भरा पानी। उत्तरकाशी में बारिश से यमुनोत्री नेशनल हाईवे बंद, जिला मुख्यालय से लगे डुंडा बाजार में भूस्खलन से मकानों में आई दरार। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में भी बारिश के बाद इलाकों में जल भराव का कहर, लोगों के घरों में भी घुसा पानी। यूपी के फिरोजाबाद में सड़कें बनी तालाब, चंदवार गेट अंडरपास पर ट्रैक्टर पानी में डूबा। टिहरी में भी भूस्खलन का कहर, NH 94 पर मलबा आने से रास्ता बंद। कानपुर में बारिश से अपार्टमेंट के पिलर धंसे, पुलिस ने खाली कराए सभी फ्लैट। हरिद्वार में मूसलाधार बारिश से बाहर रपटा पुल, नवोदय नगर में नदी के किनारे घरों को बहने के डर से कराया गया खाली। चमोली में आफत की बारिश, चमोली में ढही गौशाला, कई मवेशी दबे। राजस्थान में भी बारिश से आफत, धौलपुर में सड़कों पर भरा पानी। प्रयागराज में एमसीडी का नया फरमान, कुत्ते रखने वालों पर 690 रुपए का टैक्स। लखनऊ में पेट्रोल के साथ पानी मिलाए जाने की शिकायत, बारिश की वजह से पेट्रोल टैंक में गया पानी। लखनऊ के सिविल अस्पताल का वीडियो वायरल, वायरल वीडियो में कर्मचारी कर रहे हुड़दंग। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बैठाई जांच, 2 दिन में मांगी रिपोर्ट। आरा में शिवसेना जिलाध्यक्ष पर हथियारबंद बदमाशों ने की फायरिंग, हमले में बाल बाल बचे। करनाल में प्रेमिका के पति को मारने के आरोप में एक युवक को पुलिस ने पकड़ा, आरोपी को कोर्ट में पेश कर 2 दिन की रिमांड में लिया। बिहार के कैमूर में मां से फोन पर बात करने पर पति ने की पत्नी की हत्या, घटना को अंजाम देने के बाद हुआ फरार। जानवरों में लंपी स्किन वायरस का खौफ, हरियाणा ने पंजाब और दूसरे राज्यों से जानवरों के आने पर लगाई रोक। होशियारपुर में आप विधायक के दबंग गए, टोल प्लाजा पर देरी से भड़ गए। सरेआम बिना टोल पर्ची कटवाए वाहनों को गुजरने दिया, सीसीटीवी में कैद तस्वीरें। कठुआ में लखनपुर पुलिस और स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की तलाशी के दौरान भीड़ ने किया जानलेवा हमला, पुलिस अधिकारी हुए घायल, पुलिस ने एक को पकड़ा। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में 2 युवकों ने पैसों के चक्कर में अपने ही दोस्त की ली जान, पुलिस ने दोनों को किया गिरफ्तार। झारखंड के गढ़वा में अपनी प्रेमिका और बच्ची को मारने वाले प्रेमी को पुलिस ने पकड़ा, विवाद के दौरान हत्या की वारदात को दिया था अंजाम। बिहार के बेगूसराय में शराबबंदी अभियान के तहत पुलिस का कड़ा कदम, छापेमारी में 78 शराब कारोबारी समेत 108 को किया गिरफ्तार। आज है सावन का आखिरी सोमवार, शिव मंदिरों में सुबह से पूजा करने जुटे भक्त।
मुरादाबाद में कांवड़ियों के लिए जगह जगह विश्राम स्थल और भंडारों का आयोजन, बनाए गए सेल्फी पॉइंट। सावन और मुहर्रम को लेकर देर रात को सड़कों पर उतरे बरेली पुलिस अफसर, खुफिया तंत्र को भी किया अलर्ट। अंतिम सोमवार को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट, धर्मगुरुओं से भी की गई बातचीत। पटना के सावन महोत्सव में शामिल हुई बिहार की डिप्टी सीएम रेणु देवी, ट्रांसजेंडरों को किया सम्मानित।